हेलो दोस्तों, मैं सागर आपका डीएल जोन में स्वागत करता हूं। और ये वीडियो आपको कंप्लीट देखनी चाहिए। क्यों देखनी चाहिए, तो पहले मैं आपको यहां पे दो रीजन दे दूं बताने, ठीक है। पहला रीजन ये है कि मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम यहां पे डिले नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड चीज यहां पे मैं बात करने वाला हूं कि एसएससी स्टेनोग्राफर की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अभी जो एग्जाम का हमारे पास में टाइमिंग बचा है 60 डेज में मानता हूं अराउंड, तो जो हमारे पास में टाइम बचा है हमें किस तरह से पढ़ना है, क्या हमारा एडमिन होना चाहिए कि हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए, ठीक है। तो ये दो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है तो सब्सक्राइब लिखा होगा, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। वीडियो चलते रहते और लाइक कर देना अगर आपको अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा मैं, ट्राई के बने, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहली बात मैं आपको बताता हूँ, एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी का जो एग्जाम होने वाला है, जो अभी तक डेट इसकी रिलीज हुई है 10 से 12 सितंबर के बीच में, तो उसी डेट पर एग्जाम होंगे, ठीक है, उससे डिले नहीं होगा, ओके। तो इस बात को आप लिख लीजिए। सेकंड चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे एग्जाम का हमारे पास में जो टाइमिंग बचा है 70 डेज बचे हैं, ठीक है। अब 70 डेज में से मैं आपको 60 डेज का टाइम बताने वाला हूँ, आपको 60 डेज में कैसे तैयारी करनी है। बिकॉज अगर मैं आपको बताता हूँ तो मैं मानता हूँ कि कल से ही आप तैयारी करना नहीं स्टार्ट कर दोगे, आप 10 डेज तो लोगे, इंडियन है यार, टाइम तो लेंगे, राइट। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ आपको कि आपको देखिए, पढ़ने वालों के लिए ना 5 से 6 महीने भी कम होते हैं, और ना पढ़ने वालों के लिए 5 से 6 दिन भी काफी होते हैं। तो अगर आप मानते हैं कि हम आराम से तैयारी कर लेंगे, आपका तरीका बेस्ट है, तो आप वीडियो फॉलो मत करना, ठीक है। जो मैं बताने वाला हूँ आपको, अपना तरीका फॉलो करें, ठीक है। वीडियो को आप लीव कर सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए जो जानना चाहते हैं सीरियसली कि हम कैसे बचे हुए टाइम में कैसे अपना एग्जाम की प्रिपरेशन करें और अच्छे से पढ़ के एग्जाम क्रैक करें। और मैं आपकी गारंटी देता हूँ कि अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका एग्जाम जरूर क्रैक होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ 60 डेज को मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से डिवाइड कर देता हूँ। मैं आपको 60 डेज को 6 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। 6 पार्ट में मैंने डिवाइड किया। अब 6 पार्ट में हर एक पार्ट में 10 डेज हमारे पास में अवेलेबल रहेंगे। अब 10 डेज में हमें करना क्या है, किस तरह से हमें अपनी स्टडी करनी है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ, फर्स्ट के 10 डेज हमारे पास में रहेंगे आपको क्या करना है, पहले आपको इंग्लिश के ग्रामर के रूल सारे पढ़ने हैं, ठीक है। और साथ में आपको एक कोई सा भी जीके का सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर रूल पढ़ने के लिए आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं, नीतू सिंह जी की बुक फॉलो कर सकते हैं, या कोई भी आप चैनल फॉलो कर सकते हैं जहां पे आपको लगे कि अच्छा सा आपको मिल सकता है, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर के रूल्स आप फॉलो करेंगे, फर्स्ट 10 डेज में अपने दिमाग में बिठा लेंगे। साथ साथ में जीके का कोई सा भी एक सब्जेक्ट आप भाग सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जियोग्राफी, पोल साइंस, हिस्ट्री या साइंस, इन चारों में से आप एक सब्जेक्ट उठा लीजिए, ठीक है। अच्छे से नोट्स बना के उनको पढ़ लीजिए, ठीक है। ये दो चीजें करेंगे, 10 दिन में कुछ नहीं करेंगे इसके अलावा, ठीक है। सेकंड डेज हमारे पास में आते हैं, तब हमें क्या करना है, उसमें हमें इंग्लिश ग्रामर के एडवांस रूल्स पढ़ने, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ में हम जो पहले जो कोर्स कर रहे थे, पहले जो हमारा एक जीके सब्जेक्ट चल रहा है, तो वो आप यहां तक मैं मानता हूं कि आपका कंप्लीट नहीं हुआ होगा, ठीक है। 10 डेज उसी में देंगे, मतलब हमारे 20 डेज में एक जीके का सब्जेक्ट कवर हो जाता है, राइट। इंग्लिश के हमारे जितने भी रूल्स हैं वो सारे कवर हो जाते हैं 20 डेज में, राइट। उसके बाद में आपको क्या करना है, हमारे पास 20 डेज यहाँ पे बीत चुके हैं। अब नेक्स्ट के हमारे 10 डेज में हमें क्या करना है, डेली आपको एक इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट उठाना है, ठीक है। कोई सा भी अपनाइए, कोई सा भी, आपको कोई सी भी वेबसाइट मिल जाएंगे, या मैं बात करूं टेक्स्ट बुक पे, ग्रेड अप पे, ठीक है, आपको मिल जाएंगे इजिली। आप इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है, ऑनलाइन को क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप कोई सा भी लीजिए, सीजीएल लीजिए, सीपीयू लीजिए, कोई सा भी आपको रेसिपीज मिल जाए, आप सबकी प्रैक्टिस करिए। एक प्रैक्टिस सेट आप लीजिए, ठीक है, जिसमें 25 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन हो, आप करिए, ठीक है। उसके साथ साथ में आपको एक रीजनिंग का टेस्ट भी लेना है। अब मैं मानता हूँ कि सीजीएल के एग्जाम में मेरे पास 25 इंग्लिश के मिलेंगे, 25 रीजनिंग के मिलेंगे, ठीक है। आप 50 क्वेश्चन वो कर लीजिए एक दिन में एक बार, ठीक है। साथ साथ में हमें क्या करना है, एक न्यू जीके का सब्जेक्ट लेना है। मैंने आपको 4 सब्जेक्ट बताए, पहला जियो का, पोल साइंस का, हिस्ट्री का, साइंस का, ठीक है। इन चारों में से आपको कोई से भी दो आपको सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, देखिए आपका जो डेली का टेस्ट चल रहा है, डेली की 1 सीरीज चल रही है हमारी जीके, हमारी इंग्लिश की और रीजनिंग की, आपको वो कंटिन्यू रखनी है नेक्स्ट 10 डेज तक, मतलब 20 से लेकर 40 डेज तक, 20 दिन तक हमने वही प्रैक्टिस सेट करी है, ठीक है। साथ में हमने 30 से लेकर 40 डेज हमारे चलेंगे, उसमें हमने नया जीके सब्जेक्ट उठा लिया, ओके। तो उसके बाद में हमारे पास में 40 डेज स्टार्ट होता है, 40 से लेकर 60 तक हमारे पास में 20 डेज बचते हैं। अब इन डेज में आपको क्या करना है, डेली आपको एक फुल टेस्ट लेना है, फुल स्पील आपको टेस्ट सीरीज लेनी है, ठीक है। असिस्टेंट स्टेनोग्राफर के जो हमारे प्रीवियस एग्जाम हो चुके हैं, या मॉक टेस्ट लीजिए, डेली बेसिस पे आप कम से कम यहाँ पे 2 टेस्ट लीजिए, ठीक है। आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, यहां तक आपका स्टार्टिंग के 10 से लेकर 40 डेज तक आपका कितना कवर हो चुका है, इंग्लिश के ग्रामर सारे कवर हो चुके हैं, ठीक है। आपने रीजनिंग की प्रैक्टिस कर ली है, साथ साथ में आपने क्या कर लिया,
जीके के 3 सब्जेक्ट कवर कर लिए कोई से भी, ठीक है। अब देखिए जीके आप अलग अलग सारे लेके बैठोगे ना नहीं कर पाओगे, 3 सब्जेक्ट लेके चलिए कोई से भी कर लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। लास्ट के 20 डेज में आपको करना है 2 फुल स्टेनो के टेस्ट जिसमें हमारे 200 क्वेश्चंस होते हैं, आपको सॉल्व करने डेली बेसिस पे, ठीक है। अब ये कहीं से भी आप ले सकते हैं, ग्रेडर से ले सकते हैं, टेस्ट बुक से ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है, ये टेस्ट सीरीज। अब आपको 60 डेज में इस तरह से पढ़ना है और आपका एग्जाम अच्छे से कवर हो जाएगा। लास्ट के 10 डेज में जितने भी आपने पढ़ा है, उसको अच्छे तरह से आप रिवाइज कर लेना और कुछ मत करना, नहीं बस पढ़ना, ठीक है। इतना फॉलो करिए एंड आपका एग्जाम होपफुली अच्छा रहेगा एंड आप क्वालिफाई कर लोगे, पास कर लोगे, ठीक है दोस्तों। और वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को पसंद कर लेना, क्योंकि इतने गर्मी में आके मैं आपके लिए फैन बंद करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, पसीने आ रहे हैं, बट क्योंकि आपको अच्छे से वॉइस क्लियर आ जाए, ठीक है, आपको वही तकलीफ ना हो, तो इसलिए मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो प्लीज इस पे लाइक जरूर कर देना, इतना थोड़ा डिस्कस करके मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, तो ठीक है। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और जो भी बच्चे अगर फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं तो नहीं जानते कि कौन सी बुक फॉलो करें, कौन सा टेस्ट सीरीज लें, तो पूरा पैकेज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको चाहिए हो, ठीक है, तो आपको गाइडेंस चाहिए हो तो मुझे आप बता दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, वहां से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज लेंगे तो आपके वहां से पैसे लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है, 299 या 599 के आसपास का टेस्ट बुक आपको मिलेगा और बाकी सब्जेक्ट से आपको मिल जाएंगे, ठीक है, तो वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है, कहीं से भी आप लीजिए एंड आपको थोड़े से पैसे वहां पे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे आपके करियर के लिए, ठीक है। मैं नहीं बोलूंगा कि आपको फ्री में यहां से कहीं से मिल जाएगा, तो आप कहीं से भी फॉलो कर सकते हैं, ग्रेडअप से आपको लगता है, टेस्ट बुक से आपको लगता है, आप पढ़िए, ठीक है, अच्छे से पढ़िए और जो मैंने आपको रूटीन बताया तो वो फॉलो करके बढ़िया, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, पसीने आ रहे हैं यार, ऑब्वियसली इससे ज्यादा लंबी भी नहीं खींच पाऊंगा मैं, ओके, गुड बाय एंड विश यू ऑल द बेस्ट। एंड अपना रिव्यू कमेंट में बताना बिल्कुल मत बोलना कि आपका क्या रिव्यू है, कि क्या आपका तरीका होना चाहिए, कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है या कैसा लगा, ठीक है। चलिए गुड बाय दोस्तों, लव यू।